नमस्कार मित्रों, आज मैं फिर आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। यह टॉपिक जयप्रकाश विश्वविद्यालय का जो सिलेबस है उसमें ज्योग्राफी ऑनर्स बीए पार्ट टू का पेपर थ्री का यूनिट फाइव से गंडक नदी परियोजना लेकर के आया हूँ। इस परियोजना पर मैं चर्चा करूं उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आपको परीक्षा में इससे संबंधित किस तरह का प्रश्न आता है। तो परीक्षा में आपको जो पूछता है सामान्य तौर पर इस तरह का प्रश्न पूछता है, गंडक नदी परियोजना पर एक निबंध लिखें, या फिर आपको यह पूछ सकता है गंडक नदी परियोजना सारण के मैदान के लिए किस हद तक लाभदायक है, स्पष्ट करें। या फिर आपको यह पूछा जा सकता है गंडक नदी परियोजना से उत्तर बिहार के तीन जिले गोपालगंज, सिवान और छपरा को क्या क्या सुविधाएं या क्या क्या लाभ मिलते हैं, इसका उल्लेख करें। इस संदर्भ में मैं जो चर्चा करूंगा, तो सबसे पहले गंडक नदी के बारे में चर्चा करूंगा और फिर गंडक नदी परियोजना के बारे में चर्चा करूंगा। तो आइए मित्रों, चलें हम गंडक नदी की के बारे में पहले चर्चा करें। गंडक नदी नेपाल, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बहने वाली एक नदी है। इस नदी को नेपाल में सालीग्रामी या सालग्रामी और मैदानों में नारायणी और सप्तगंडकी कहते हैं। गंडक नदी हिमालय की धौलागिरी पर्वत श्रृंखला से निकलकर नेपाल हिमालय की बड़ी गंडकी, मादी, साती, काली गंडक, मत्स्याद्री, त्रिशूली, पंचनद तथा सोनहद शाखाओं का जल एकत्र कर बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर मैदान में प्रवेश करती है। नेपाल में लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का जल इसमें आता है। इस नदी द्वारा बिहार में 11,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है। यह नदी काफ़ी दूर तक उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यों के बीच सीमा निर्धारित करती है। उत्तर प्रदेश में यह नदी महाराजगंज और कुशीनगर जिलों से होकर बहती है। बिहार में यह चंपारण, सारण और मुजफ्फरपुर जिलों से होकर बहती हुई 192 मील के मार्ग के बाद पटना के नज़दीक गंगा में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 1310 किलोमीटर है। तो ये आपको जो बताया अभी यह गंडक नदी का संक्षिप्त एक परिचय था। अब ये गंडक नदी परियोजना का क्रियान्वयन किस प्रकार से हुआ और क्या क्या इसका जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहा और क्या इसका हमारे लिए महत्व है, इस पर चर्चा करें। उत्तर प्रदेश और बिहार ने भारत सरकार की मदद से बाढ़ से बचाव, मार्ग परिवर्तन पर रोक, सिंचाई जल की व्यवस्था और विद्युत उत्पादन को लक्ष्य बनाकर संयुक्त रूप से गंडक नदी परियोजना का क्रियान्वयन किया गया। 1959 ईस्वी के भारत नेपाल समझौते के तहत इससे नेपाल को भी लाभ है। इस परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी नहर हेड रेगुलेटर के नीचे बिहार के वाल्मीकि नगर यानी भैंसालोटन पर नदी के आर पार 743 मीटर लंबा अवरोधक बांध बनाकर नेपाल की सीमा की ओर वाल्मीकि जलाशय का निर्माण किया गया। इस बैराज से चार नहर निकलती हैं जिसमें से
दो नहरें भारत में और दो नहर नेपाल में हैं। यहाँ 15 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। दो नहरों में से एक नहर जिसे मुख्य पश्चिमी नहर के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी किनारे से उत्तर प्रदेश के देवरिया, महाराजगंज और गोरखपुर में सिंचाई करती है। साथ ही साथ बिहार के गोपालगंज, सिवान और सारण जिले में सिंचाई उपलब्ध कराती है। यह पश्चिमी नहर 200 किलोमीटर लंबी है, जिसका ऊपरी भाग 19 किलोमीटर, नेपाल में 112 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में और शेष 70 किलोमीटर बिहार में पड़ता है। बिहार का यह क्षेत्र पूरे राज्य में कम वर्षा प्राप्त करने वाला भाग है, इसलिए इस क्षेत्र के लिए इस परियोजना का महत्व बहुत अधिक है। अब है दूसरा जो इसका पूर्वी भाग का नहर है, उसके बारे में जाने। वाल्मीकि जलाशय के पूर्वी भाग से पूर्वी मुख्य नहर निकाली गई है, जिसे तिरहुत नहर के नाम से जानते हैं। यह 293 किलोमीटर लंबा है। यह नहर गंडक नदी के लगभग समानांतर बनी है, जो समस्तीपुर तक फैली है। इस नहर से जमुनिया, वैशाली, सुगौली, जैतपुर, घोड़ासहन, मानिकपुर आदि शाखाएं निकाली गई हैं, जिससे पश्चिमी एवं पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली एवं समस्तीपुर जनपदों की 5.4 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। पूर्वी नहर पर वाल्मीकि नगर से पूर्व की ओर एक जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है, जिसका उपयोग नेपाल करता है। तिरहुत नहर के अतिरिक्त पूर्वी नहर के पूर्व में एक अन्य नहर निकाली गई है, जो नेपाल के तराई में सिंचाई सुविधा प्रदान करती है। इसी प्रकार एक और नहर नेपाल में सिंचाई सुविधा के लिए बनाई गई है। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस ऑनलाइन क्लास से गंडक नदी परियोजना के बारे में जो मैं आपसे संवाद किया, जो आपको व्याख्यान दिया, इससे पूरी तरह से आप लाभान्वित होंगे और इसको एक नोट्स के रूप में आप तैयार कर लेंगे। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से एक नोट्स कंप्लीट हो जाएगा और आप इसे तैयार कर लेंगे। तो मिलता हूँ फिर आपसे एक नया टॉपिक लेकर के, इस उम्मीद के साथ कि आप घर में रह करके स्वाध्याय करेंगे, मन से पढ़ेंगे और परीक्षा की ही तैयारी नहीं करेंगे, केवल अपने आत्मव्यवहार और अच्छे संस्कार का भी परिचय घर में और परिवार में, समाज में देंगे। तो ठीक है, फिर मिलता हूँ आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद।